ओम शांति। योग तपस्या भट्टी में सब चीजों का सुंदर मिश्रण किया गया है। सुबह से आप सुंदर योग साधना कर रहे हैं, क्लास भी आपने सुनी। अब ये सत्र आपको भी पार्टिसिपेशन, आपके चिंतन मनन के लिए है। सबके पास डायरी पेन तो ज़रूर होगा ही ना? है सभी के पास डायरी पेन? हाथ उठाएं सर। थैंक यू। तो अपना डायरी पेन रेडी कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सुप्रीम टीचर आपके सामने है। निमित्त सामने कौन है ये ना देखें, लेकिन अब सुप्रीम टीचर आपके सामने है। और इतने वर्षों से जो उन्होंने पढ़ाया है, आज वो आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। तो रेडी हैं परीक्षा देने के लिए? देंगे परीक्षा? यूं तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा अंतिम पेपर एक सेकेंड का होगा। एक सेकेंड में पास विद ऑनर, या फिर उस आधार पे मार्क्स जितना वक्त हम लेते हैं। तो प्यारे बाबा के ही द्वारा पूछे गए प्रश्न, सुप्रीम टीचर के द्वारा, और हम सब उसका आंसर अपनी डायरी में देंगे। कुछ प्रश्न ऐसे जिसके लिए आपको 2 मिनट का वक्त मिलेगा। यूँ तो 1 सेकेंड का टाइम है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, तो कुछ प्रश्न 2 मिनट के, कुछ प्रश्न 1 मिनट में, कुछ प्रश्न का आप चिंतन करेंगे और साथ ही शेयर भी करेंगे, और कुछ प्रश्नों में हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये सुंदर समय हमारे पास क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए है। तो एकाग्र हो जाएं अब बाबा की ओर, देखें अपने सुप्रीम टीचर को स्क्रीन पर। सामने बाबा हैं, और सुप्रीम टीचर हमेशा अपने सभी गॉडलेस स्टूडेंट्स से यही कामना रखते हैं कि उसके स्टूडेंट नंबर 1 हो। तो बाबा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का हम एक शब्द, एक सेंटेंस या 2-3 पॉइंट के रूप में आंसर लिखेंगे। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। आप अपने आंसर लिखेंगे, फिर जब बाबा का उत्तर आएगा उस बेस पे आप अपने आप को डायरी में मार्क्स देना, ठीक है? फिर ये आपके लिए अपना ही एक आईना होगा कि हमने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए। एट प्रेजेंट मेरी स्थिति कितनी है, जो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी अर्थात, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात ज्ञान की बात समय पर बुद्धि में टपके। ज्ञान बिंदु, ज्ञान की बातें समय पर बुद्धि में टपके। तो बाबा के प्रश्न करते ही कितना जल्दी वो टपकता है उसे लिखेंगे। रेडी? रेडी सभी गॉडली स्टूडेंट्स? रेडी? तो शुरू करें। तो बाबा की तरफ से बाबा का प्रश्न, पहला प्रश्न, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा और कर्तव्य क्या है? इशारे में ही क्वेश्चन और फिर इसका उत्तर लिखेंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा और कर्तव्य क्या है?
अपनी डायरी में उत्तर लिखें। अब तक मैंने जो ज्ञान सुना है, बाबा की जो बात मुझे याद आ रही है, या मेरा अपना चिंतन, मर्यादा ये, कर्तव्य ये, समय पूरा हुआ, लिखा सभी ने, किस किस ने लिखा हाथ उठाए। अब बाबा के उत्तर से अपने उत्तर की मिलान करेंगे। बाबा ने कहा, एक बाप की याद में रहना, दूसरे किसी की भी याद ना आए, ये है मर्यादा। याद स्वरूप बनना ही ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है। अब अपने उत्तर के साथ मैच करते हुए 10 मार्क्स में से अपने आप को मार्क्स दें कि मैं बाबा के कितना क्लोज था। उत्तर यद्यपि हमने गलत नहीं लिखा है, सारे उत्तर सही हैं, लेकिन बाबा के उत्तर के अनुसार 0, 2, 4, 6, 7, 8 कितने मार्क्स अपने आप को देते हैं लिख लें। तो मर्यादा है एक की याद में रहना, कर्तव्य है याद स्वरूप होना। बाबा का अगला प्रश्न, सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है। एक मिनट, कौन सा एक गुण सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है। स्क्रीन पर बाबा कांस, गुण ग्राहक बनना। बाबा ने कहा, हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अवगुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। तो गुण ग्राहक बनो, अवगुण ना देखो। मार्क्स दें अपने आप को। मैंने क्या लिखा था और बाबा का आंसर क्या है। पूरी तरह फोकस्ड हो जाए, मन शांत, बुद्धि पूरी तरह स्थिर, सामने सुप्रीम टीचर, मैं उनका नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, शांत और एकाग्र मन से प्रश्न देखेंगे। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, सार में प्रश्न लिख लीजिएगा, एक या दो शब्द में, सार में ही उत्तर, एक दो शब्द, एक वाक्य या 1, 2, 3 पॉइंट, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देगा। बाबा के महावाक्य, उन्हीं महावाक्यों के आधार पर निकाले गए उत्तर।
कौन सा भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देगा? चिंतन करें, एकाग्र होकर उत्तर लिखें। कौन सा भोजन? लेफ्ट रो से कोई शेयर करेगा? हाँ बताइए। हाँ जी, शुद्ध संकल्पों का। इस रो से ज्ञान का, इस रो से बाबा का उत्तर देखें। प्रश्न था, कौन सा भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देगा? उत्तर है खुशी का। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी में रहने वाला शक्तिशाली होगा। ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। अगर सदा ड्रामा ही स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। सदा खुशी बुद्धि तक, नॉलेज के रूप में नहीं। कोई भी दृश्य हो, अपना कल्याण हमें निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे। वरदान भी बाबा ने क्या दिया हमें अव्यक्त मुरली में? सदा खुश रहो और खुशी बांटो। मार्क्स दीजिए अपने आप को। कितनी स्थिरता और एकाग्रता है, कैच करें बाबा के आंसर को। तपस्या अर्थात मेरे और बाबा के विचार एक जैसे हो, यही तो एकाग्रता है ना, यही ट्यूनिंग है, मेरी कैचिंग पावर। मार्क्स दिया? निराश नहीं होंगे, आपके मार्क्स हम पूछेंगे नहीं, आपका पड़ोसी भी नहीं पूछेगा। ये इट्स अ मिरर, ये मेरे लिए आईना है। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है, इसीलिए कहा मैं सामने नहीं हूं, सुप्रीम टीचर सामने हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं आपसे। बच्चे भट्टी में आए हो ना, अब मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तो बाबा पूछ रहे हैं, ये मियां बीवी के बीच की बात है, कोई काजी नहीं है, बस मेरे और बाबा के बीच की। रेडी फॉर द नेक्स्ट? रेडी? एकाग्र हो जाओ, मेरी ट्यूनिंग बाबा के साथ। सुप्रीम टीचर ने जो पढ़ाया है मैं उसे रिकॉल करूं, बाबा के प्रश्न पूछते ही, बाबा की ओर देखते हुए ही मैं उसे रिसीव करूं। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन क्या है? अपना आंसर लिखें। बाबा ने उत्तर दिया है, मेरी बुद्धि में कौन सी बाबा की बात याद आ रही है? लिखें। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन। सोचें, गहराई में चलें। हम
हमारा लक्ष्य ही है कमजोरियों को दूर करना। कैसे? लिखा, बाबा का आंसर देखें, जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो, जो भी आवे वह बाप के सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। अर्पण करना ये कमजोरियों से मुक्त होने का सहज साधन। मार्क्स दें, कितने मैं करीब था, जरूरी नहीं है एज इट इज यही आंसर आए, करीब कितना था उसके आधार पे 10 मार्क्स के बेस पे अपने आप को मार्क्स दें। 0, 2, 4, 5, 6 जो आपको लगता है। नेक्स्ट, नष्टो मोहा बनने की युक्ति कौन सी है? हमारा फाइनल पेपर, नष्टो मोहा बनने की युक्ति कौन सी है? बताएंगे कौन सी है? एक लेफ्ट रो याद करना, देह और देह के संबंधों से मुक्ति। सर्व रिश्ते बाप से जोड़ लो। मैं रो वाइज इसलिए पूछ रहा हूं कि कौन सा रो नंबर 1 लेता है। बाबा का आंसर देखें, सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुबन आपका घर है। यह दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे, क्योंकि जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। तो नष्टो मोहा बनने का सहज साधन, घर की स्मृति, परमधाम घर और मधुबन घर। मार्क्स देंगे अपने आप। कितने इसके आसपास थे? मैंने कहा आपके आंसर सही होंगे, जो भी आप लिखेंगे गलत नहीं है, लेकिन आज जो बाबा के महावाक्य हैं, और भी बाबा के ही महावाक्य हैं, बट आज जो स्पेशल हम पूरी तरह से बाबा से क्या कैच कर रहे हैं उस बेस पे, भले ही 0 पे रहो लेकिन ऑनेस्टली देना अपने आप को मार्क्स, ताकि वहां से मुझे ऊपर उठना है ये पता चलेगा। ये खुद ही खुद के लिए रिजल्ट है कि इन सुंदर बातों की मुझे कहां तक स्मृति है, कहां तक प्रैक्टिस है। क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो स्मृति में रहेंगी, उतनी जल्दी पॉपअप होंगे। इसलिए कहा तीव्र पुरुषार्थी, अर्थात ज्ञान समय पर बुद्धि में टपके, याद आए, वो स्थिति कितनी है।
सारे हथियार हैं मेरे पास, लेकिन समय पे यूज ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। मार्क्स देंगे इस क्वेश्चन का, मुझे कितने नंबर मिले। नेक्स्ट, हम सब सफलता चाहते हैं। बाबा ने कहा सक्सेसफुल न होने का क्या कारण है? सेवा में, पुरुषार्थ में, जीवन में हम सब सफलता चाहते हैं, सक्सेसफुल न होने का क्या कारण है? बाबा ने उत्तर दिया है, लिखें, विचार करें, क्या कारण है असफलता का? इस प्रश्न के लिए आपको ज्यादा वक्त मिल गया तो उत्तर कैच कर लिया होगा। इसके बाद के सब क्वेश्चंस के लिए केवल 1 मिनट होगा, उसके बाद वालों के लिए आधा मिनट, ठीक है? बाबा का आंसर, सक्सेसफुल न होने का कारण फेथफुल कम है। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में, और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। चेकिंग है हमारे लिए, यदि हम असफल होते हैं तो हमारे निश्चय की परसेंटेज हमें देखनी है, खुद में, बाबा में, परिवार में। मार्क्स दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट बस। स्वयं को बंधन मुक्त कैसे बनाएं? हम सब बंधन मुक्त होना चाहते हैं, कैसे बंधन मुक्त बनाएं? आंसर, जितना जितना ईश्वरीय बंधनों में, सर्विस के बंधन में बंधते जाएंगे तो दूसरे बंधन आपे ही छूटते जाएंगे। तरीका है, जितना ईश्वरीय बंधन में, सर्विस के बंधन में खुद को बांधेंगे और बंधन छूटेंगे। गहरा राज। मार्क्स, नेक्स्ट, याद के समय यदि व्यर्थ बातें बुद्धि में आती हैं तो व्यर्थ को समर्थ कैसे बनाएं? आंसर आपके स्क्रीन पर है। बाबा ने कहा जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहां भी व्यर्थ संकल्पों को समर्थ के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो, बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल चाहिए। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा। यहां कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन लूज हो जाता है, तो अब वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ में बदल सकेंगे। तो बुद्धि रूपी मशीनरी,
पावरफुल हो, तो व्यर्थ समर्थ में हम बदल पाएंगे। नेक्स्ट, अपने मार्क्स देखते जाएं, लिखते जाइएगा। लास्ट में बाबा के रूम में भले शाम को बैठ के, दोपहर में भी बैठ के अपने आप को देखिएगा, आज के इस इम्तहान में मैंने कितने मार्क्स लिए। हर कदम श्रीमत पर है या मनमत पर है, ये परखने का साधन क्या है? हमें लगता है कि हम श्रीमत पे चल रहे हैं, लेकिन होता मनमत है। कैसे परखें कि ये श्रीमत है ये मनमत है? एक या दो पॉइंट में। आंसर, अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा, मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता है तो स्वतः अंदर खुशी होती है, बुरा काम किया जाता है तो मन खाता है। चाहे बाहर से बोले भी नहीं, मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी, श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। इससे परख सकते हो कि श्रीमत पे हूं या मनमत पर हूं। थर्मामीटर है, थर्मामीटर बाबा ने दिया, मन असंतुष्ट नहीं होगा श्रीमत पर है तो, हलचल नहीं होगी, नेचुरल खुशी होगी और साथ ही साथ हल्के रहेंगे। और परमत में है तो ठीक इसके विपरीत। मार्क्स, टेन मार्क्स में से मैंने कितने लिए? नेक्स्ट, किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है? कोई बात आई, मैं हार गया, कारण क्या है? हम सब हमेशा जीतना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, लेकिन हार का कारण क्या है? शेयर करेगा लेफ्ट रो? खड़े होके बोले, कमजोर संकल्प। बीच का रो? खड़े होके बोले, कोई एक। बाप का साथ है तो जीत है, राइट रो? निश्चय में कमी। ओके, तो चलें आंसर की ओर। बाबा का आंसर, हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियां हैं लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति आती, ऐसे होता था तो ऐसे करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज भी नहीं हो सकते, तो बार बार की चेकिंग नहीं है। जो युक्तियां बाबा ने दी हैं उन युक्तियों को समय पर यूज नहीं करते,
इसलिए हार हो जाती। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, चेक करो, अपना दरबार लगाओ। बाबा ने हर चीज के लिए युक्ति दी है, उन युक्तियों को समय पर यूज करो तो हार नहीं होगी। मार्क्स, नेक्स्ट, मन बीच बीच में उदास क्यों हो जाता है? आप सबका तो नहीं होता ना, आप सब तो खुश नसीब हैं, खुशनुमा हैं, हर्षितमुख हैं, लेकिन मन बीच बीच में उदास क्यों हो जाता है? राइट वाले पीछे से खड़े होके बोलेंगे जिनको बोलना है। जी, माया के दास बन जाते हैं। ओके, बीच वाले पीछे खड़े होकर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। लेफ्ट रो खड़े होकर बाबा को भूलने के कारण पुरुषार्थ में ढीलापन, मुरली मिस करते हैं, सूक्ष्म अवज्ञा होती है, श्रीमत का पालन नहीं। बाबा के उत्तर पे आते हैं, सारे आंसर हैं। बाबा ने क्या कहा आज? सर्विस नहीं है तो उदासी आती। कोई ना कोई सेवा में अपने को बिजी करो तो उदासी खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, चलते चलते दो लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो, लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो लेकिन छोड़ने वाली चीज फिर भी ले लेते हो, इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती और यही मेहनत थकावट और उदासी लाती है। सर्विस में बिजी, दो हाथ से लड्डू, एक ही लड्डू लो जो बाबा दे रहे हैं और दुनियावी लड्डू के पीछे जाएंगे तो उदासी। मार्क्स, नेक्स्ट, बार बार यदि क्रोध आता है तो इस क्रोध महाशत्रु पर जीत कैसे पाएं? ये तो हम सबको सुनाते रहते हैं ना, लिखें एक शब्द में कैसे पाएं। इसमें तो सबको 10 out of 10 मिलना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट, बार बार यदि क्रोध आता है तो इस क्रोध महाशत्रु पर जीत कैसे पाएं? लिखें। अपने बगल वाले साथी से शेयर करें आपने क्या लिखा। अपने बगल वाले साथी से शेयर करो आपने क्या लिखा, ताकि आपका साथी भी लिखना शुरू करे यदि ना लिख रहा हो तो। शेयर करो आपस में, मैंने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, फिर बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा का आंसर, इसके लिए पहले बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम शांत मूर्त हैं, शांत स्वरूप हैं, तो हमें सबको शांति का दान देना है, ना कि गुस्सा करके अशांति फैलानी है। तो आज पक्का वायदा करो कि किसको दुख नहीं देना है, दुख देना ही नहीं तो क्रोध करना भी नहीं।
क्रोध करेंगे तो दुख देंगे, और जब दुख ही नहीं देना है तो क्रोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो बाबा ने कहा पक्का वायदा करो, करेंगे ना पक्का वायदा बाबा से, करेंगे ना। चलो थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और बाबा से पक्का वायदा करो। बाबा की ओर देखते हुए योगी युक्त होकर कि बाबा मेरा आपसे पक्का पक्का वायदा है। कि मैं शांत मूर्त शांत स्वरूप रहूंगा रहूंगी, किसी को दुख नहीं दूंगा, सबको सुख ही दूंगा, संपूर्ण क्रोध मुक्त शांत और शीतल रहूं। सुप्रीम टीचर शांति के सागर बाबा, सुख के सागर बाबा, जैसे अपने सुख और शांति से मुझे भरपूर कर रहे, दिल की दुआएं दे रहे कि बच्चे विजयी भव, तुम्हारे हर शुद्ध संकल्प के साथ बाबा है। अपना मार्क्स नोट करें, और अब थोड़ा और क्विक, आधे मिनट में आपकी स्पीड बढ़ा रहे हैं चिंतन की, एक सेकेंड तक पहुंचना है ना। नेक्स्ट, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन क्या है? स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन। एक शब्द में लिख लो, पहली लाइन करावन हार करा रहा है, निमित्त बनकर सेवा, पढ़ना और पढ़ाना, संतुष्ट रहना करना, बाबा का आंसर। वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता जब विधि से करते हैं, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। तो विधि है तो वृद्धि है, हमें अपनी विधि को चेक करना है। मार्क्स नेक्स्ट, लौकिक संबंधों में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है?
लौकिक में भी हमारी बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या होगी? एक शब्द में लिखो बस और चेक करना बाबा का आंसर। आंसर, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना, अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। शक्तिशाली स्थिति आत्मा समझ करके, लौकिक से थोड़ा अलग हो करके, ऐसी स्थिति में जब हम कुछ करेंगे निर्णय तो यथार्थ होगा। मार्क्स, नेक्स्ट। कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन यह बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? लेफ्ट रो, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा, हल्का महसूस करेंगे। बाबा का आंसर मैच करें। पहला, बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि यह मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। दूसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। और तीसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें कभी भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो कि यह बाबा की टचिंग है। कितने क्लोज थे उस बेस पे मार्क्स देंगे। नेक्स्ट, पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग्य लाने का साधन क्या है? बेहद का वैराग्य लाने का साधन एक शब्द में, बाबा का आंसर देखें। बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। मधुबन याद आने से बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि है। मधुबन एक सेकेंड में सभी से त्याग कराता है, तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। तो आंसर, मधुबन निवासी खुद को समझना। मार्क्स,
फिर हम लास्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दुनिया के वाइब्रेशन से अथवा माया से सेफ रहने का साधन क्या है? क्या है? सेवा में या याद में बिजी रहना, बाबा की छत्र छाया में रहना, बाबा की याद। सुंदर, लगभग आप सभी बिल्कुल नजदीक बाबा की। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, जो इसी लगन में मगन रहते वह माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते हैं। जैसे जब लड़ाई के समय बॉम्ब्स गिराते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते, उसका असर उन्हें नहीं होता, तो ऐसे ही जब एक लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन से माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे, तो लगन में मगन रहो, यह है सेफ्टी का साधन। न दुनिया का वाइब्रेशन और न ही माया का कोई वार। लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो हमारी भट्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज अथवा योग की प्रैक्टिकल सिद्धि क्या है? याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज, हम सब याद करते हैं लेकिन उसकी संपूर्ण स्टेज क्या है, अथवा योग की प्रैक्टिकल सिद्धि क्या है? क्या है? बीज रूप स्थिति। और भी नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आंसर आपने लिख लिया होगा और मार्क्स भी दे रहे होंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज वा योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। ये है हमारी याद की संपूर्ण स्टेज। अपना मार्क्स नोट कर लें। आज जैसे सुप्रीम टीचर ने हम सबका एग्जाम ही लिया है और आप सबकी डायरी में मार्क्स हैं, अपनी परसेंटेज आप जरूर इस बेस पे निकालिएगा कि अभी ज्ञान की अवस्था और योग की अवस्था हमारी कितनी है और हमें और कितना आगे बढ़ना है, और इन ज्ञान की पॉइंट्स को स्वरूप में भी अपने जीवन में लाना है। चलिए, बाबा को शुक्रिया करते हुए हम सब बिल्कुल इस याद की संपूर्ण स्टेज अर्थात देह और देही बिल्कुल अलग हो जाए। ओम शांति। आशा है सभी गॉडली स्टूडेंट्स ने अपने आप की अच्छी चेकिंग की होगी और अच्छे से अच्छे मार्क्स लिए होंगे। आप पास विद ऑनर हो, यही दिल की हार्दिक शुभकामना है। ओम शांति। आप दृष्टि उतर जाऊं।